हाय दोस्तों, हर हर गंगे आप सबका हार्दिक स्वागत है। रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में। अभी आप सुबह 8 बजे का मनमोहक दृश्य देख रहे हैं। आज हम आपको हर की पैड़ी, ब्रह्मगुण घाट और कऊ घाट से महिला घाट तक का दृश्य दिखाएंगे इस वीडियो पे। और अभी आप माँ गंगा के पावन दर्शन कर रहे हैं नए घाट से, और निर्मल नारे की वेग आप देख सकते हैं काफ़ी तेज है और पारदर्शिता भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी आप माँ मनसा देवी की पावन दर्शन टेंपल की कर रहे हैं। यहाँ से काफ़ी सुंदर दृश्य दिखाई देती है माँ मनसा देवी टेंपल की। आप सबसे एक प्यारी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको माँ गंगा की पावन दर्शन के साथ साथ उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना था कि अभी कोविड की जांच हो रही है या नहीं हो रही है, तो आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन की लाइव वीडियो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। आप वहां पर जाके लाइव दृश्य देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहां पर कोविड की जाँच हो रही है या नहीं हो रही है। हम आ चुके हैं हर की पैड़ी में। हर की पैड़ी हरिद्वार का प्रमुख घाट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ तो होती है। काफ़ी सारे श्रद्धालु माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं। और बच्चों को स्नान कराते समय काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि जल की धारा काफ़ी तेज होती है। बच्चों को अकेले स्नान करने के लिए ना भेजें। अभी हम चल रहे हैं महिला घाट की ओर। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे ब्रह्मकुंड के पास का दृश्य। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी आपको हमारे चैनल में ही मिल जाएगी, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, और व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप हरिद्वार यात्रा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जानकारी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में भी मिल सकता है। हम आ चुके हैं ब्रह्मकुंड के पास और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। अभी आप दृश्य देख रहे हैं महिला घाट का, और महिला घाट में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा निर्मल धारा की पारदर्शिता बढ़ चुकी है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं।
और काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना था कि ऋषिकेश बाईपास वाले का भी आप एक बार दृश्य दिखाइए। हर की पैड़ी के साथ साथ ऐसे हमने कई बार दृश्य दिखा रखा है, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। इस वीडियो में भी आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं, ऋषिकेश बाईपास से ही हम अभी एंट्री कर रहे हैं हर की पैड़ी के लिए। ये कौघाट का दृश्य अभी आप देख रहे हैं, सामने ब्रिज पार करने के बाद कुशा घाट पड़ने वाला है। तो अगर आप कुशा घाट में जाना चाह रहे तो कुशा घाट में भी जा सकते हैं, लेकिन कुशा घाट यहाँ से दिखाई देगा, लेकिन रास्ता घूम के जाना पड़ेगा आपको। यहाँ से निर्मल धारा की वेग आप देख सकते हैं काफ़ी तेज है। अभी हमें गौ घाट में और ये वाली जो मार्ग दिखाई दे रहा है ये कुशा घाट की ओर जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक लेफ्ट टर्न आएगा, लेफ्ट टर्न लेंगे तो हमें कुशा घाट 100 मीटर के बाद मिल जाएगा। तो ये वाली मार्ग काफ़ी अच्छा मार्ग है कुशा घाट के लिए। अगर आप कुशा घाट डायरेक्ट आना चाहते हैं तो वहाँ पर बैटरी रिक्शा नहीं आता, अगर आप आना चाहते हैं तो पैडल रिक्शा में ही आए तो आपको कुशा घाट तक वो ड्रॉप करेंगे। अभी हम हैं सुभाष घाट में। अगर आप जानना चाहते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन की लाइव दृश्य तो वीडियो में जाके देख लीजिए। और अगर कहूँ तो अभी कोविड की जांच नहीं हो रही है, कोविड की कोई बूथ नहीं है, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रही है। वो ट्रेन से उतर रहे हैं और डायरेक्ट बाहर की ओर जा रहे हैं, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर गंगे।